नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। आज का हमारा विषय है कुलभूषण जाधव का क्या होगा पाकिस्तान में, G7 और पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। साथ ही हम बात करेंगे पीओके में 25 जुलाई को होने वाले चुनाव के बारे में। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कनाडा से हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक बैरिस्टर हामिद बजानी साहब। हामिद साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। हामिद साहब के साथ ही भारत से हमें ज्वाइन किया है राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपको नमस्कार, भाजानी सर को भी नमस्कार। मिश्रा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अभी हमने जो कुलभूषण जाधव पे जैसे बात की कि 2016 में बलूचिस्तान से उन्हें पकड़ा गया, ऐसा पाकिस्तान का कहना है, लेकिन भारत ने इस चीज को डिनाई किया और भारत ने कहा कि नहीं, वो हमारा बिजनेसमैन था और ईरान से उसे पकड़ा गया था। सवाल यहाँ पे ये उठता है, दो सवाल है यहाँ पे। पहला ये कि जो आर्मी कोर्ट थी पाकिस्तान की, उन्होंने उन्हें फांसी की सजा दी, जो ICJ में जाके वो चेंज हो गई। तो पहला सवाल तो ये, क्या किसी जासूस को, जिसे वो जासूस कहते हैं, वो है नहीं है ये एक अलग विषय है, लेकिन जिसे वो जासूस कहते हैं, क्या किसी देश की सैन्य कोर्ट उसे सजा दे सकती है? क्योंकि जब डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहां चुनाव होता है, वहां सरकार है, तो शायद सरकार इस तरह के कानून की तरफ ध्यान देती है या बात करती है। दूसरा मेरा सवाल है कि जिस शख्स ने जाधव को पाकिस्तान आर्मी को पकड़वाया था, उसका उसकी भी बाद में हत्या कर दी गई, तो अब कौन ये बताने के लिए मौजूद है कि जाधव हकीकत में कौन था? जाधव की बात तो कोई सुनेगा नहीं, तीसरा कोई उनके पास पर्सन नहीं है इस चीज के। इस पर आप क्या कहते हैं मिश्रा जी? देखिए मैम, कुलभूषण जाधव का और पाकिस्तान का जो सवाल है, तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं पाकिस्तान के लिए। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो षड्यंत्र करना तो जैसे इनके जेनेटिक्स या DNA में शामिल है, षड्यंत्र करके ये अलग हुए। अच्छा, उसके बाद इनको डे पर डे, चूंकि इनकी आइडियोलॉजी, बेसिक आइडियोलॉजी जिस चीज के लिए बने थे, ये इतनी रॉन्ग फिलॉसफी थी, वो उस पर सर्वाइव नहीं कर पाए। ऐसी कोई भी चीज अपने दम पे वो खड़ी नहीं कर पाए जो लॉन्ग टर्म विजनरी हो या सर्वाइवल के लिए एक सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। टाइम टू टाइम इनको खुराक चाहिए होता है षड्यंत्रों का, बहुत सारे षड्यंत्र ये करते गए। उसी षड्यंत्र में एक कड़ी ये भी है, आप देखिए नेपाल से हाईजैक हुआ था विमान, महबूबा मुफ्ती वगैरह उनकी फैमिली को भी कश्मीर वगैरह से ऐसे ही किडनैप करके षड्यंत्र किया गया था। JNK को लेकर के भी षड्यंत्र करके कुछ न कुछ ये लोग ऐसे हवा बनाते रहते हैं, ताकि उसके रीजन दो होते हैं कि इस्लामिक जो उम्मा है उसमें ये खलीफा बने रहे, और इस बेस को ये दिखाते हुए कि हम इस्लाम के बड़े हिमायती हैं, ये हैं, हमें कुछ डोनेशंस वगैरह जगह जगह से मिलती रहे। चाबहार में ये बिजनेस करने के लिए कुलभूषण गया था, वहां से उसको किसी ने पकड़ा, पकड़ करके ये पाकिस्तान की मिलिट्री को दे दिया। अब आपका जो बेसिक क्वेश्चन है, होना तो ये चाहिए कि अगर आपको डेमोक्रेटिक और दुनिया के साथ एक लय ताल से चलने वाली अगर आप कंट्री अपने आप को डिक्लेयर करते हो, तो आपके फैसले, आपके जस्टिस, आपका न्याय वगैरह भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अब क्योंकि अब देखिए, सवाल यहाँ पे एक चीज और है कि अगर पकड़ा गया, नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वहां मिलिट्री ने पकड़ा। अब क्योंकि मिलिट्री ने पकड़ा तो एक बहाना है कि जी वो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। अब ये इनफैक्ट ये सब चीजें जो होती हैं वो सिटी में घूमते रहते हैं जासूस वगैरह या किसी ऐसे एरिया में, हम भारत में भी सुनते हैं कि अभी एक चाइनीज पकड़ा गया था, पुलिस ने पकड़ा, उसने पकड़ा, ये सब चीजें होती हैं। तो अब चूंकि उनको ये उनका एक षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र को जल्दी से जल्दी उनको मुकाम पे पहुंचाना था। बेशर्मी की हद तब होती है कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिक हम लोगों ने खुल्लम खुल्ला पकड़ा था, जो किसी भी तरीके से वायलेशन नहीं था वार का, हमने वार में पकड़ा था, एक खरोच हमने नहीं आने दी, और पूरे जनेवा कन्वेंशन वगैरह को फॉलो अप करते हुए विद ड्यू रिस्पेक्ट हमने वापस कर दिया। ये कितने मीन माइंडेड है कि एक आदमी को षड्यंत्र करके फंसाया, पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भारत देखो डी स्टेबलाइज कर रहा है पाकिस्तान को, बलूचिस्तान में जो है उन्होंने अपने, अरे भारत अगर बलूचिस्तान में भेजेगा तो एक सिंगल जो है वो भी इतने 50 साल से ज्यादा कमजोर आदमी को भेज देगा? इतनी कमजोर जो है कोई कड़ी कोई दुश्मन देश करेगा? ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान में जो उनकी सैनिक बर्बरता थी उसको छुपाने के लिए, वहां सैनिक बर्बरता ऐसी होती है कि बलूचियों को पकड़ के हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाते हैं और नीचे फेंक देते हैं। कितने बलोच वहां पे गायब हो गए हैं, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सुनवाई नहीं कि वो कहाँ गए।
इन सबको छुपाने के लिए पूरे ग्लोबल कम्युनिटी का जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक बड़े जोर शोर से ये किस्सा शुरू किया, एक षड्यंत्र रचा। अब मिलिट्री कोर्ट में ही क्यों गया और कोई ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया पहले? वो इसलिए कि अपनी कोर्ट है, सब कुछ अपने धड़ाल करके हम इसको 2-4 दिन में, 2-4 हियरिंग में हम फांसी की सजा सुना के इसको फांसी के फंदे पे लटका देंगे और नाम भी हो जाएगा जी कि कोर्ट में ट्रायल हो गया। ये तो कहिए कि षड्यंत्र का कोई बेस नहीं होता है, झूठ के कोई बेस नहीं होते हैं। धीरे धीरे करके चीजें बाहर आने लगी और पाकिस्तान, मैंने बोला था पाकिस्तान लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो इतना लिंगर ऑन कर गया, अभिनंदन का केस आप देखिए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान ने बोला पीस गेस्चर के लिए हम रिहा कर रहे हैं, अरे तुम इतने पीसफुल कब से हो गए? सौरभ कालिया का जो अंग भंग करके तुमने भेजा था, क्या वो दुनिया को पता नहीं है? क्या हमें पता नहीं है तुम और पीस? हाँ, ये चीज तो उन्होंने ये सोचा था कि हम धड़ाधड़ जो है इसको अपने मुकाम पे पहुंचा देंगे, इंडिया को बदनाम कर देंगे। हमने जो वहां पे कुकर्म किए हैं बलूचिस्तान में, पाक आर्मी का जो दामन है वो एक बार पाक साफ हो जाएगा, फिर हमें बजट वगैरह दूसरों से पैसे, पाकिस्तान आर्मी, पाक आर्मी जिंदाबाद पाइंदाबाद के नारे लगने लगेंगे। अब कुछ इंटरनेशनल इशू आ गए, इंडिया ने वहां पे इस चीज को सीरियसली ले लिया। सीरियसली लेने के बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बनते चले गए, क्योंकि और ये इसके लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके कुकर्म रिस्पॉन्सिबल है। इकोनॉमिक प्रेशर हो गया, पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, सारी चीजें होती गई, इनके पोल खुलते गए, तब जाके पाक की संसद ने ये और बड़े चुपके से, बड़े जल्दी से ये बिल पास कर दिया कि जी हम इसको कोर्ट का एक्सेस देंगे। अदरवाइज ये वही कुलभूषण है कि इसके घर वाले मिलने गए थे मदर या वाइफ को, उन्होंने बोला जी आप बिंदी मत लगाइए, आप चूड़ी मत पहनिए। मतलब इंडिया में जो सुहागन के जो सिम्टम्स होते हैं, जो वो श्रृंगार करती हैं, उन तक को उतरवा दिया था। मतलब बेशर्मी की हद आप देखिए कि ये इस्लामिक कंट्री है। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इंडिया इस कंडीशन में है, इंडिया ने ऐसे प्रेशर क्रिएट किए हैं। आज इन्होंने हाई कोर्ट का जो है इनको जो है वो किया हुआ है कि आपको एक्सेस मिलेगी, और कल देखिएगा अभी इसमें जो हुआ उसमें ये ऑप्शन है कि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में ही किसी अच्छे वकील को दे, काउंसलर एक्सेस दे, वकील अच्छा करे, नहीं तो हो सकता है इंडिया बाहर से कोई वकील करे। और मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है, टाइम थोड़ा लग सकता है, जिस हिसाब से पाकिस्तान अपनी गलतियों के कारण इंटरनेशनल और इंडिया के प्रेशर में आ रहा है, हो सकता है ये केस ही पूरा शिफ्ट हो जाए कहीं बाहर, कि एक थर्ड पार्टी एक किसी ऐसे कंट्री में जो ना इंडिया का हो ना पाकिस्तान का हो। और इंशाअल्लाह मैं बोलता हूँ ये होगा, जो कंडीशंस बन रही हैं पाकिस्तान का केस। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, पाक आर्मी के जबड़े में अगर कोई उनका दुश्मन चला गया, चाहे वो कोई बलोच हो, चाहे पाकिस्तान में रहने वाला कोई आदमी हो, चाहे दुनिया का कोई आदमी हो, तो आप उसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मान के चलिए कि पाक आर्मी के जबड़े से आप उसको वापस ले आएंगे। उनके पास 50-50 बहाने होते हैं, 50-50 केस कर देते हैं। यहां तक पहुंच गया है तो या तो ये फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, डिप्लोमेटिक वे में भी ये मामला सुलझ सकता है जो दो कंट्रीज के बीच में होता है, और उसके पीछे भी बहुत सॉलिड रीजन है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हो सकता है किसी इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के इस चीज को डिस्कस हो, फिर वहां पे पाकिस्तान को पाक आर्मी के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अभी देखिए इन्होंने IMF मिलिट्री का जो बजट है वो उन्होंने पेश किया, ये ऐसा क्यों पेश किया उसके पीछे बहुत सारे प्रेशर है, FATF वगैरह के आप देख रहे थे ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में जाने जाने से ये बचे हैं। तो पाक आर्मी को भी दाना रोटी तो चाहिए, उनके जनरल को भी तो चाहिए कि उनकी लिमोजीन गाड़ियां, मर्सिडीज बेंज गाड़ियों में पेट्रोल तो चाहिए ही चाहिए ना। तो मुझे लगता है अब उनको, उनके आर्मी के जनरलों को ये समझ में आने लगा है कि इस एक आदमी के ऊपर तशद्दुद करके, अगर हम तशद्दुद करेंगे तो हो सकता है जो हमारी लेविश लाइफ स्टाइल है, हमारे बीवी बच्चों के ये सारे खर्चे बंद हो जाए, इंडिया इतना शोर मचाएगा या इतना प्रेशर डालेगा। तो इन सब चीजों के लिए हो रहा है, पाक आर्मी, पाक संसद, स्पेशली इंडिया के मामले में जो हर दिन धमकी देते रहते हैं कि हमारे पास तो ये एटमी मिसाइल है, सहालियत है, हम यहाँ फोड़ेंगे वहां फोड़ेंगे, ये लातों के भूत है मैम, ये बातों से मानने वाले नहीं है। और इनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो इंडियन लॉबी कर रही है ग्लोबल लेवल पे, जो पूरी दुनिया कर रही है, इनके चेहरे से बुरखा हट गया है, नकाब हट गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब कुलभूषण जाधव को सुरक्षित रिहा किया जाएगा, ससम्मान रिहा किया जाएगा, और यही पाक आर्मी के जनरल उसको जो है बॉर्डर तक छोड़ने के लिए आएंगे, थूक के चाटेंगे।
आपके पॉइंट से दो तीन बातें निकल के आते हैं। जब जिनेवा कन्वेंशन की आपने बात की 1971 के जो आर्मी पाकिस्तान आर्मी हमारे उस पे रही थी उसकी बात की, हमने उनको रिहा किया। आज तक भी 1971 में जो भारतीय आर्मी के लोग 15-17 लोग थे जो पाकिस्तान के ही उसमें रहे, शिमला पैक्ट होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने कभी उन्हें रिहा नहीं किया। उनमें से कौन कितना कोई जिंदा है या नहीं है किसी को कोई खबर नहीं। इसमें कहीं ना कहीं भारत का भी ड्रॉबैक है। उन्होंने क्यों नहीं अपने सैनिक वापस मांगे जबकि आप 93,000 सैनिक वापस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट। दूसरा आपने पॉइंट उठाया कि जाधव का के ऊपर जो केस डाला गया है जिस तरह से डाला गया है, आपको याद होगा कि सुखबीर जो पंजाब से था उसको उसके लिए भी बड़ा इंटरनेशनली भी बहुत कुछ चला, लेकिन आखिरकार भारत क्या आया था, उसकी डेड बॉडी आई थी वापस, सारा सब मैं सबका सब आप झमझम होने के बावजूद भी। तीसरा आपने कहा कि अभी पिछले दिनों जो भारत में चाइनीज जासूस पकड़ा गया है, आप खुद देखिए हमन सर, आपने भी जरूर उस न्यूज को फॉलो किया होगा। पाकिस्तान भारत आर्मी के पास उनका कोई केस नहीं गया। हमारे पहले तो कोलकाता की पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद हमारे एटीएस को सौंप दिया गया कि आगे की इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रॉपर एक सिस्टम होता है। अब वो उन्हें जब बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के उधर इधर क्रॉस करने करते हुए पकड़ा गया था, तो ऑफकोर्स वहां की पुलिस पहले इस चीज के लिए कंटिन्यूटी करेगी। तो आर्मी का तो सवाल, भारतीय आर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आएगा उनका रोल जब भी आता है। मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगी, जल्दी समाप्त कीजिएगा क्योंकि मेरे पास आखिरी के दो सवाल बचे हुए हैं। जो शाह महमूद कुरैशी ने यूएन में जो खत लिखा उसमें उन्होंने एक चीज क्लियरली मेंशन की है कि जम्मू कश्मीर में भारत 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 सरकार हिंदुओं को बसाने की कोशिश कर रही है, और ये एक तरह से जनसंख्या में बदलाव होगा। 1990 में कश्मीर में किनको मारकर भगाया गया था? क्या जम्मू कश्मीर में कभी हिंदू नहीं रहे थे मिश्रा जी? देखिए एग्जैक्टली मैम है क्या, थोड़ा सा कोर कैरेक्टरिस्टिक पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और वहां की मिलिट्री यानी जो शासन करते हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड फॉर देयर नेशन और फॉर देयर वेलफेयर ऑफ देयर पब्लिक। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इतना बड़ा बांग्लादेश इनके हाथ से निकल गया, इन्होंने बोला जाने दो, वो बंगाली तो काले कलूटे होते थे, हमारे ऊपर भार पड़े हुए थे, तो आप इनके नेचर को समझ सकते हैं। सेम इज एप्लीकेबल हियर इन मैटर ऑफ कश्मीर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री, वो चाहते क्या है, एक डमी गवर्नमेंट के थ्रू डमी प्रधानमंत्री वहां बैठाए रहे ताकि हमें बहुत सारी सहूलियतें मिलती रहे, हमारे जो फायदे हैं जो हमको एक्सट्रैक्ट करना है हम वहां से करते रहे। एक्चुअल वेलफेयर के लिए उनका कोई प्लान वगैरह नहीं है। अब इन्होंने जो ये भेजा है, जब भारत में 370 वगैरह हटाया गया था तो 3-4 महीने मामला बड़ा गर्म था, प्रधानमंत्री इमरान खान भी उठ करके बॉर्डर तक चले आ गए आए थे और तकरीर दे रहे थे कि अभी आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, जब हम बोलेंगे तब करना है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पाकिस्तान ही जो है बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ जाएगा और पूरे वो कश्मीर को इंडिया को लिबरेट करा देंगे और जामा मस्जिद और नई दिल्ली में बैठ के वहां पे चाय पियेंगे जो इनकी आर्मी बोलती थी। है क्या, इलेक्शंस नजदीक है, कुछ दिनों पहले एक नारा लगा था पाकिस्तान में, बड़ा फेमस हुआ था, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। शायद ये पहली बार आवाम ने नारा लगाया जबकि पाकिस्तान के जनरलों को ये लगने लगा ये तो नेक्स्ट बांग्लादेश बन रहा है, यानी हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। अब कॉन्फिडेंस में कैसे रखें वहां के लोगों को, कॉन्फिडेंस में रखने के लिए अब लोरी वगैरह सुनाना शुरू कर दिया है जी, अब हमने एक खत लिख दिया। अरे ये खत ऐसे लिखते हैं जैसे लैला मजनू को खत लिखती हो, 10वीं 11वीं में लड़के लड़कियां अपने महबूब को फ्रेंड को खत लिखते थे ना, ये लो जी मैंने खत लिख दिया और कबूतर को पकड़ा करके भेज दिया, ये मुगलई सल्तनत। उस खत का कहीं कोई मतलब नहीं है, और ऐसा भी नहीं है वो खत लिख देने से पूरा जो है यूनाइटेड नेशंस या ग्लोबल कम्युनिटी या भारत भारत सरकार एकदम प्रेशर में आ गई। भारत सरकार किसी को बसाने नहीं जा रही है, भारत सरकार रिहैबिलिटेट कर रही है। नए लोगों को बसाना और रिहैबिलिटेशन में बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि जो 5 लाख लोग भागे गए भगाए गए थे उस वक्त अपनी जमीन जायदाद को छोड़ के, आज वो 25 लाख 50 लाख हो गए होंगे। भाई 2 जनरेशन में तो पीढ़ियां बदल जाती हैं, एक फैमिली अगर 10-15 लोगों की उस वक्त हुई थी तो आज वो फैमिली 100 लोगों की हो गई है। अगर उनके फोर फादर उनके दादा वहां से भगाए गए थे, उनके पिताजी भगाए गए थे, तो उनका ये जेन्यून और नेचुरल जस्टिस के ऊपर जो वो है कि वो वहां पे उनको जाकर के वापस बसाया जाए। और ये भारत सरकार ने मोदी सरकार इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है, दे आर वेरी मच प्रॉमिस कि हम उनको बसाएंगे।
स्लोली एंड स्लोली उसके लिए वहां पे जो चीजें होनी चाहिए वो भारत सरकार कर रही है। अब इनका क्या फलसफा है? इनका फलसफा ये है कि देखो जी, हमने एक प्रेम पत्र लिख दिया है यूनेस्को को, इनको सबसे बड़ी मोहब्बत रहती है, यूनाइटेड नेशंस को लिख दिया, अमेरिका को लिख दिया जी, हमने चाइना को लिख दिया ताकि वो शांत रहे और चुनाव तक उनको कैसे भी करके वो हमदर्दी वहां बटोर करके फिर वही डमी टाइप की सरकार बनाए, वहां के वसायल को लूटते रहे, इंडिया के खिलाफ साजिशें। वो लैंड तो बहुत सारे स्पेशली इंडिया के खिलाफ तो साजिश के लिए भी बहुत प्रयोग होता है ना, जो उनका अल्टीमेट गोल है कि हम इंडिया को तकसीम करेंगे, ये करेंगे, ये सब चीजें पूरी होने वाली नहीं है। उसके लिए रीजन ये है कि ना इनके पास इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट है, इवन लोकल सपोर्ट भी नहीं है, इकोनॉमी वगैरह, इकोनॉमिक सपोर्ट वगैरह जो चाहिए वो तो कटोरा पकड़ चुके हैं, चवन्नी उनके कटोरे में है नहीं। किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, कोई ना तो इथिकल, ना मोरल, ना जुडिशियल, ना इंटरनेशनल, ना इकोनॉमिक, ना लोकल लोगों का समूह भी उनके साथ नहीं है। अगर लोकल जनता उनसे खुश होती तो इस तरह के नारे इजाद नहीं होते कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और मिलिट्री वालों के सामने, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कितनी हैवी डिप्लॉयमेंट मिलिट्री की रहती है और उन्हीं के सामने नारे लग रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। तो मिलिट्री यहाँ पे संसद नहीं बचा रही है। देखिए, पाकिस्तान के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया बांग्लादेश अलग हो गया, वो जो है बोले कि अरे जाने दो, अच्छा हुआ हमारा जो है, हमारे जी की झंझट जो है खत्म हुई। ये पाकिस्तान मिलिट्री के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं कि इस मुद्दे को उठा के कभी टर्की से पैसा लेंगे, सपोर्ट लेंगे, कभी सऊदी अरब से, अभी तक सपोर्ट लेते थे, जहां से इनको सपोर्ट मिलता था वो जिहाद के नाम पे। तो जिहाद के लिए एक मदरलैंड तो इनको चाहिए और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है भाई। लाहौर से तो जिहाद होता नहीं है, इस्लामाबाद में आज तक कोई जिहादी नहीं पैदा हुआ, पाकिस्तान में जो पंजाबी ओरिएंटेड या डोमिनेटेड सिटी है वहां पे कोई जिहाद वगैरह नहीं है, सारा जिहाद। और इसीलिए अभी देखिए, सिंध की सेना के बहुत सारे जवान और ऑफिसर्स इसी कॉन्सेप्ट को छोड़ के एक साथ छुट्टियों पे चले गए थे, ये खबर बनी थी ग्लोबल लेवल पे, सुर्खियों में थी। उन जवानों ने, मिलिट्री के लोगों ने ये बोला कि बॉर्डर पे जहां गोलियां चलती हैं वहां हम रहेंगे, बैरक में बैठ के आराम फरमाने के लिए पंजाबी ने अब जो है आर्मी ऑफिसर्स है वो रहेंगे, ये सब लोग चले गए थे। तो ये जो असंतोष वहां पे पनप रहा है, कई जो है पार्ट में असंतोष पब्लिक में भी है, लोकल लोग भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान के पास खुद अपने अपने सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो जम्मू पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो रोड और सड़कें और डेवलपमेंट और जन्नत बनाने के लिए उनके पास पैसे कहाँ है। तो मोरल, इथिकल सारे सपोर्ट खत्म हो गए हैं। अब उसने एक सगुफा और उठाया है कि जी इंडिया वहां पे, जबकि इनफैक्ट ये रिहैबिलिटेशन है, जो लोग अपने घरों से जबरदस्ती निकाल दिए गए थे उनको वापस ला रहे हैं, ये तो बहुत न्याय का काम है और इसपे तो किसी ग्लोबल कम्युनिटी को या ग्लोबल बॉडी को, इंस्टीट्यूशन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आज तक किसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आप रिहैबिलिटेट क्यों कर रहे हैं, किसी ने उठाया हो तो बताएं। तो पूरा माजरा वहां पे मैम ये है, वहां पे भी जो ये सब चीजें चल रही हैं वो इसके पीछे सेना की वर्दी है। केवल और केवल मिलिट्री के जो जियोग्राफिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं उस इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए, जिहाद को जिंदा रखने के लिए, ताकि कुछ चंदे वगैरह मिलते रहे इनको इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे, सारा मसौदा ये है। और ये भी मुंह के बल खाएंगे, ये भी फेल होगा, कुछ यूएनओ वगैरह से कहीं कोई जवाब या इनके फेवर में कुछ आने वाला नहीं है। जी शुक्रिया मिश्रा जी। हामिद सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में जो बिल पेश किया है, और इसको कहा जा रहा है कि वो बिल इसलिए लेके आए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उन पर दबाव था। साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में भारत हमें फिर से ले जा सकता है, इसलिए हमें इस बिल की जरूरत पड़ी, सच्चाई क्या है सर? देखें जी, इन मामलों में बिल्कुल जो होल ट्रूथ है ना, सच्चाई, अगर उसकी तलाश में आप, तो वो तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देख लिया जो अशर हुआ है लास्ट वीक वहाँ पे, तो वहाँ की सच्चाई ये थी कि वो गाली गलोच का और मार धाड़ का एक पूरा सीन चल रहा था, जिसको बाद में कुछ वहाँ के जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने कहा है कि जी ये गाली गलोच जो है ये पंजाब का कल्चर है। तो अब मुझे नहीं पता कि पंजाब का उस तरफ में भी गाली गलोच कल्चर है या नहीं है, लेकिन पंजाबी तो वहाँ भी ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह गालियाँ ये चीज़ें, तो उसको सामने रख के तो आप कहें कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, तो बेसिकली
ये केस तो जिस दिन डिसीजन हो गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसके बाद मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये प्रैक्टिकली ये केस क्लोज हो गया, क्योंकि वो डिसीजन जो है प्रिंसिपल बेस पे हुआ है अगेंस्ट जो प्रैक्टिसेस हो रही थी पाकिस्तान में। कोई भी शख्स जो प्रिजनर है वो उसमें कभी ये नहीं देखा जाता कि इसने जुर्म क्या किया, क्योंकि उसका एक स्टेटस बन गया। अब उसका स्टेटस जो है गुलभूषण का स्टेटस इस वक्त क्या है कि वो एक प्रिजनर है। अब कोई ये कहे कि जी इसने कोई बहुत सख्त काम किया था या बहुत छोटा काम किया, ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि एज ए प्रिजनर किसी भी शख्स के जो राइट्स होते हैं वो डेफिनेटली जो है पूरी इंटरनेशनली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, और उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशंस हैं जिस पे पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं, सिग्नेटोरी है ये सारी कन्वेंशंस पे जहाँ पे इस तरह के लोगों के राइट्स हैं। प्लस जो है वो खुद पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और प्रैक्टिसेस में भी ये बात बड़ी क्लियर है कि आप किसी भी शख्स को जाहिर है चार्ज तो कर सकते हैं, चार्ज झूठे भी हो सकते हैं, सच्चे भी हो सकते हैं, कोई जासूस है नहीं है ये चीजें, तो फिर उसमें ऐसे भी है कि फॉल्स एक्यूजेशन भी हो सकती है, तो इस हवाले से आप किसी को अरेस्ट करके तो उसके सारे राइट से डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि उसको आप ये राइट जो है रिस्टोर करें, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो एक्सेस टू काउंसल है, और उसका जो राइट टू हैव ए लॉयर और ये सारी चीजें जो फेयर ट्रायल की होती हैं, इस पे जब उन्होंने क्लियर एक डिसीजन दिया, और इसके अलावा कोई डिसीजन दिया ही नहीं जा सकता था। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि इस तरह के केसेस में पाकिस्तान को एडवाइस कौन करता है कि आप एक ऐसा काम करें जिसका के कोई नतीजा नहीं निकल सकता आपके हक में, लेकिन आपने वो काम करना करना है ताकि आप अपनी बेइज्जती कराएं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। ये अंडरस्टूड बात थी कि कोई भी ऐसा केस लेके आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहेगा कि आप एक प्रिजनर को उसके राइट डिनाई कर दें, ऑब्वियसली इज नॉट पॉसिबल। और वो आई बाई शाही मारने की जगह तो नहीं है ना, शेर पढ़ने की जगह तो नहीं है ना, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है इज नॉट ए प्लेस टू रिसाइट पोइट्री जो कि पाकिस्तान के कोर्ट्स में होता है। तो इसलिए उनको गलत उधर लेके गए थे, उनको जाना ही नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था इसको पहले ही सेटलमेंट कर लेते इंडिया के साथ नेगोशिएशन करके कि भाई जो भी हमारा प्रोटोकॉल है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन प्रिजनर ऑफ वार और ऑन प्रिजनर फॉर अदर रीजंस, तो उसको हम फॉलो करके तो इनको जो है वो आपको जो राइट्स हैं वो देते हैं या इनको आपके हवाले करना है करते हैं, तो इनकी ये सुबकी ना होती। तो अब वहां से चूंकि ये डिसीजन हो गया तो ये अब बाद में चूंकि पॉलिटिक्स में हर चीज जो है वो किसी न किसी के जिम्मे लगती है, तो अब जो बहुत सारे फेलियर हैं मौजूदा हुकूमत के, दी गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की जो बहुत सारे फेलियर्स हैं, उसमें से एक हिजब इख्तलाफ इसको भी बना के पेश कर रही है कि जी ये इन्होंने केस जो है हार दिया और सरेंडर कर दिया, और एक्चुअली ये सारी कोई ऐसी भी बात नहीं, हमने तो बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन देखे हैं और नहीं माने हैं, तो ये तो मानने पे आ गए, क्योंकि अब ये इंडिया के साथ तय कर चुके हैं कि हम इस हवाले से आपसे बात करते हैं। तो इसको एक पर्सनल लाइबिलिटी समझ बनाने के बजाय उन्होंने इसको पार्लियामेंट के सर डाल दिया कि जी ये तो जो भी हुआ पार्लियामेंट के थ्रू हुआ है, हालांकि इसमें मजीद पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं होती। आप जो है अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी तरफ से डिसीजन नहीं कर रहा, आप एज ए पार्टी वहां गए तो वहां जाके आपने लिख के दे दिया है कि आप पार्टी हैं और आप कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करेंगे, तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट क्या कहेगी? पार्लियामेंट कहेगी ना मानो, ये तो पॉसिबल नहीं ना, चूंकि ये तो ऐसे नहीं कि उन्होंने वहां से डिसीजन वैसे भेज दिया, उन्होंने भेजा है आपके भी आप पे भेजा। तो इसलिए जी ये बेसिकली जो है एक पॉलिटिक्स है जिसमें कोई प्रिंसिपल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि दूसरी चीज जो मुझे लगती है उसमें यह है कि इंडिया के साथ उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे मामला तय कर लिए हैं, वो सिर्फ पब्लिक के अंदर जो उन्होंने खुद ही हेट क्रिएट की हुई है उससे डरते हैं कि अगर हमने मान लिया कि हमने सब कुछ कर लिया है तो ऐसा ना हो कि लोग हम जो है वो पॉपुलैरिटी का ग्राफ हमारा गिर जाए, ऊपर से इलेक्शन हो रहे हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने जो जिमनी इलेक्शन थे उसमें वो हार गए बुरे तरीके से,
तो इसलिए उन्होंने जो है वो ये रास्ता इख्तियार किया जिसमें वो थोड़ा सा एक तरह की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी से बच जाते हैं। लेकिन एज फार एज कुलभूषण इज कन्फर्म, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इज ए गुड डिसीजन, क्योंकि उसको इस हवाले से एक जो है लीगल प्रोटेक्शन मिलती है इंटरनेशनली, जो है रिकग्नाइज उसके राइट्स हैं वो मिलते हैं, और इस हवाले से उसके नुक्ता नजर से तो इज गुड। लेकिन गवर्नमेंट को बहरहाल अपनी गेम तो प्ले करनी करनी है, जिस प्रोसेस में उन्होंने इसको पार्लियामेंट में लेके गए थे। बिल्कुल आपने सही कहा अमित सर, एक्चुअली ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मैटर ही नहीं था। अगर भारत और पाकिस्तान इसको एक टेबल पर आकर इसको डिस्कस करते सबसे पहले, तो ये इंटरनेशनल बनाया क्यों गया, किस तरह से बनाया गया, आप समझ लीजिए उस दौरान में स्थिति भी क्या थी। तो उन्हें एक ट्रम्प कार्ड चाहिए था जिसको वो इंटरनेशनली थोड़ा सा खेल सकते थे, बहुत सारी चीजें निकल के आती है। अदरवाइज ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं जितना बना दिया गया है। ये शायद उसी तरह से है जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को यूएन में ले जाया गया था हमारी तरफ से। तो हम तो इस तरह से हमें सर आपने एक बात कही अभी, एक्चुअली वो आज हमारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड तो नहीं है लेकिन मेरे जहन में आ गई जब आप डिस्कशन कर रहे थे कि जो अभी पार्लियामेंट में हुआ पाकिस्तान में हम सब ने देखा। एक चीज जानना चाहेंगे सर कि बजट अभी हाल ही में पाकिस्तान का आया, डिफेंस का बजट थोड़ा बढ़ के आया, उसमें बड़ी चर्चा चली पाकिस्तान में, लेकिन हमारा कंसर्न जानना ये है कि जब किसी देश का बजट आता है तो वो उस देश के लिए होता है, उस देश के लोगों के कंसर्न में होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उस बजट की कॉपी क्यों भेजी गई है सर? नहीं, ये तो आप एक ऐसी देश की बात कर रही हैं जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट एक रजीम होता है और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, तो लोग अपने डिसीजन खुद करते हैं। पाकिस्तान में अब कोई बजट जो है आईएमएफ की मर्जी के बगैर नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ऑलरेडी आईएमएफ से जो कर्जे लिए हैं। अब ये वाकया ही आपकी बात दुरुस्त है कि ये फिर इस सब्जेक्ट से हम हट जाएंगे, लेकिन आईएमएफ का जो प्रोटोकॉल जो लोग समझते हैं, जिनको इस चीज़ की नॉलेज है, उनको पता है कि हुकूमतें जितना मर्जी इसकी तरदीद कर दें कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन आईएमएफ के साथ जब कभी भी आप डील करेंगे तो उसकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो टर्म्स और कंडीशंस में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं कि आपने जो है वो किन चीज़ों की प्राइसेस बढ़ानी हैं, किन चीज़ों की घटानी हैं, किस पे सब्सिडी हटानी है, कहाँ पे क्या आपने लॉज बनाने हैं। चूंकि उनके कहने का बाजार मतलब ये होता है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं या आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए, लेकिन इनफैक्ट होता ये है कि उनके चूंकि यक तरफा किस्म की शराइत पे कर्जे उन्होंने दिए होते हैं, तो उनका कंसर्न होता है उन कर्जों की रिकवरी के, हम किस तरह के तेज तरीन इकदाम करें उसमें जो है वो, इस तरह के आप अनड्यू किस्म के टैक्सेस भी इम्पोज कर सकते हैं, या इन्फ्लेशन जो है और महंगाई का ये आलम हो सकता है कि बेचारे लोग फाकाकशी पे उतर आए, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है कि आम आदमी की 5 से इवन जो है वो जो रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक जरूरियात हैं वो निकलती जा रही है, और उसके पीछे जाहिर है आईएमएफ की ये शरायत हैं। तो उन शरायत की मौजूदगी में ये कोई डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं है और ना ही इनके अपने हाथ में है। ये तो उनका वजीर खजाना भी ओपनली उसने तस्लीम किया है कि वी हैव ए वेरी वेरी स्मॉल रूम टू मूव, इसमें कोई बहुत बड़ी गुंजाइश वो नहीं देते कि आप यहाँ से यहाँ तक डिसीजन कर लें। और जब तक उनकी मर्जी के मुताबिक जो स्पेसिफिकेशंस हैं आप बजट नहीं बनाएंगे, तो नेक्स्ट किस्त जो कर्जे की है वो जारी नहीं करेंगे, तो वो जारी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाती है। उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा जो फिक्र होता है वो इंडिया और अफगानिस्तान नहीं होता, वो ये होता है कि अगली किस्त कहाँ से लें, और अगर अगली किस्त नहीं है तो कर्जा नहीं है तो हम डिफॉल्ट करेंगे, तो इंटरनेशनली हम जो है वो दीवार से लग जाएंगे, जिसका प्राइम मिनिस्टर में एक दो दफ़ा इजहार भी कर चुके हैं वो ओपनली कि अगर हमें मसलन सऊदी अरब से इतने पैसे ना मिलते या चीन से इतने ना मिलते तो हम तो बैंकक्रप्ट हो गए थे। तो जो मुल्क इस तरह डे टू डे जो है वो चल रहा होता है, उसकी मिसाल एक दिहाड़ीदार मजदूर हमारे यहाँ उसको कहते हैं, जो सुबह शुरू करते हैं और शाम को ख़त्म करते हैं, तो उनके पूरे दिन की स्ट्रगल ये होती है कि हमने अपना या अपने बाल बच्चे का पेट कैसे भरना है एक दिन का। दे डोंट थिंक अबाउट टुमारो। ये बजट भी उसी की रिफ्लेक्शन है। कोई मुल्क जो टुमारो के बारे में सोचता है ऐसा बजट पास नहीं कर सकता कि आप जो है वो 375 अरब जो है वो मिलिट्री को दे दें,
और आपका जो है वो 9 बिलियन जो है वो सिर्फ आप दे रहे हैं अपनी हेल्थ को और एजुकेशन का, आप देख लें तो ये आपने कल जीना है। जो लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि कल होगा, वो ये काम नहीं करते। ये वो लोग करते हैं जिनके जहन में होता है वो जो जैसे गाना है कि कल हो के ना हो, कि आज जो जी मर्जी कर लो, और ये बजट आएगा तो आपस में तकसीम करेंगे। ये बजट ये भी अवाम तक नहीं जाएगा, इसमें से पहले तो आप देख लेना कि ये 400-500 आदमी है जो जुड़ा हुआ है जी पार्लियामेंट के साथ, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिलिट्री बासीज हैं, उनमें ये जब तकसीम होगा जिस तरीके से, तो एक पैसा भी अवाम तक नहीं पहुंचेगा। ये सारा हेर फेर है कि ये डिफेंस का इतना है और फलां का इतना है। आखिर में ये जो डिफेंस का 1375 उन्होंने बताया, इसका दुगना तिगना जाके उस पे एंड होता है, क्योंकि उसमें फर्दर बिल्स आते हैं, चीजें आती हैं। हामिद सर, आपसे मेरा अगला सवाल है कि यूएन में इस टाइम शाह महमूद कुरैशी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जम्मू एंड कश्मीर में हिंदुओं को बसा रहा है, तो और वो चाहते हैं कि यूएन इंटरफेयर करे और जो 370 जो था कश्मीर में उसको फिर से बहाल करे, वो भारत को प्रेशराइज करे। आपको लगता है कि इनमें से दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी संभव है सर? देखें जी, अगेन जो है ये अब मुझसे ही पूछ रही है ना। जी, बिल्कुल आपसे हाँ, सर। इसमें अगेन बात ये है कि देखें, इसका फिर ताल्लुक जाके तो इलेक्शन से, इलेक्शन हो जाए जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसके अंदर, तो उस हवाले से जो कुछ हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे, आपके उसमें शामिल है तो उसमें ही जी मैं जी पूरी तफसील से बात करूंगा। लेकिन इसकी बुनियादी वजह जो है वो इलेक्शन है, चूंकि इसकी वजह से इनको काफ़ी फर्क पड़ता है जो इनकी पॉपुलैरिटी है या वोटिंग का रेशो है या लोगों की डिसीजन मेकिंग है, कि जब वो कोई इस तरह का इशू उठाते हैं। जहाँ तक इस इशू की बात है तो देखें, ये वही शाह महमूद कुरैशी है जिसका आप 1 महीना 1.5 महीना पहले का वीडियो देखें, जिसमें उसने बहुत क्लियरली ये कहा था कि जी 370 जो है उससे अब हमें कोई दिलचस्पी नहीं। आपको याद है ना, उसने जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल इसको डिक्लेयर कर दिया था, और पाकिस्तान की असल में शुरू दिन से ही ऑफिशियल पॉलिसी यही रही है कि 370 को वो नहीं मानते, जो ऑफिशियल रियल पॉलिसी रही है, और उसकी उन्होंने डिफरेंट किस्म की एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम इसलिए नहीं मानते कि ये भारत और कश्मीरियों के दरमियान एक फ्रॉडुलेंट किस्म की अरेंजमेंट है और इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इसको रिमूव कर दिया तो सबसे ज्यादा जो इसके खिलाफ बात उठी है वो पाकिस्तान की तरफ से उठी है, जिसका जाहिर है कि लोगों को पता है कि ये सिर्फ अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज इससे जो है वो गेन करने के चक्कर में इस मसले को जो है वो उठा रहे थे। रहा सवाल इसका यूनाइटेड नेशन के में ये खत लिखने का, तो इसके जवाब में तो भारत को भी ये खत लिखना चाहिए कि पाकिस्तान ने 1974 में गलगित बल्तिस्तान में एग्जैक्टली सेम जी काम किया था, कि उन्होंने जो ये 35 है, ये 35 सिर्फ जम्मू कश्मीर इंडियन स्पेसिफिक नहीं है, 35 बेसिकली महाराजा हरि सिंह का कानून है जो उसने बनाया था 30s में, 1930s से चला आ रहा है, प्री पार्टीशन 20 साल पहले, तकसीम से पहले, और ये रियासत जम्मू कश्मीर के सारे हिस्सों पे इक्वली अप्लीकेबल है आज भी। ये जो गलगित बल्तिस्तान है या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, इसके अंदर भी बाकायदा कोडिफाइड लॉ है इन्हीं अल्फाज में कि महाराजा का जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ है उसको उसी तरीके से देखा जा रहा है। तो यहाँ पाकिस्तान ने तो उसको अपने तौर पे बिल्कुल आराम से जो है इग्नोर कर दिया। गलगित बल्तिस्तान में ये लॉ इग्नोर करना तो दूसरी बात है, पूरी लैंडस्केप ही चेंज करके रख दी, और क्लियरली उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इसको सूबा बना रहे हैं। जो खत उन्होंने लिखा है वो किस अथॉरिटी पे लिखा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशंस कश्मीर की सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं ला सकते, क्योंकि इस पे एक रेजोल्यूशन मौजूद है, जो कि रेजोल्यूशंस पे मेरी बिल्कुल अलग एक टेक है, और मेरी टेक ये है कि वो रेजोल्यूशंस टोटली यूजलेस, इररेलीवेंट हैं और उनको मेंशन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये काम है इंडिया का कि वो इसको देखे कि ये क्यों मेंशन हो रही है। मैं समझता हूं कि इंडिया को चाहिए कि वो ये रेजोल्यूशंस वापस ले ले। जब इंडिया ये कहता है कि मसला कश्मीर खत्म हो गया, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टू वे है और दो तरफा तकाजा है, हम इसको मिलके बैठेंगे या नेगोशिएट करेंगे, तो फिर उनको चाहिए कि वो रेजोल्यूशंस जो वहां पे पड़ी हुई हैं
और बार बार इस तरीके से उठाई जा रही हैं, उनके बारे में भी कुछ करें। लेकिन जिस रेजोल्यूशन की रोशनी में इन्होंने ये खत लिखा है, वो रेजोल्यूशन तो सबसे पहले पाकिस्तान पे अप्लाई होती है। लेट मी गिव यू टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। पहली एग्जाम्पल तो जो है वो उन्होंने जब शुरू में माहिदा किया, जिसको माहिदा कराची कहते हैं। माहिदा कराची एक हुआ था 1949 में पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी एडमिनिस्टर कश्मीर है उसके दरमियान, जिसकी रोशनी में उन्होंने गलगित बल्तिस्तान का पूरा इंतजाम अपने हाथ में ले लिया था। वो तो पहली मटेरियल चेंज है, जो बहुत बड़ी ड्रास्टिक किस्म की चेंज है। ये पाकिस्तान को इख्तियार ना पहुंचता था करने का, और ना आज़ाद कश्मीरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये हक पहुंचता था कि वो कोई ऐसा डिसीजन करे एक ऐसे इलाके के बारे में जिस पे उनकी कोई अमलदारी ही नहीं है, या वहां के लोगों से पूछे बगैर, उनको कंसल्ट किए बगैर उन्होंने लिख के तो पाकिस्तान को दे दिया। तो ये जब आप यूनाइटेड नेशन की कर्दादों से कोई दाद रसी मांगेंगे, कोई रेमेडी मांगेंगे, तो वो सबसे पहले तो पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। वो एक एक करके आप रेजोल्यूशन देखते जाएं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वो सबसे पहले तो पाकिस्तान फौजें निकाले वहां से, जो पहली उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे, वो आगे जाके उसके डिफरेंट डायमेंशन हैं। तो ये सिर्फ उन्होंने इसलिए लिखा है ये खत, ताकि वो जो कश्मीरी लोगों को बता सकें कि भाई हम कोई चुप नहीं बैठे हुए, बल्कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और कश्मीरी इस मामले में आंखें बंद करके बेवकूफ बनते हैं, ये नहीं कि आंखें खोल के या सोच के, आंखें बंद करके बेवकूफ बनते हैं। अब उनके लिए ये खत एक आइंदा 6 महीने के लिए एक आ गया जी, कि जी खत लिख दिया है जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जिसकी एक तिनके इतनी अहमियत नहीं है इंटरनेशनल लॉ में या डिप्लोमेसी में या किसी भी तरीके से उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो जस्ट चूंकि एक स्टेट का खत है, तो उन्होंने जाहिर है उसको एक्नॉलेज कर लिया कि खत आ गया, लेकिन इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। और तीसरा, ये सेल्फ कंट्राडिक्टोरी है पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज के हवाले से। पाकिस्तान अब इस पे इंसिस्ट अगर कर रहा है तो ये सिर्फ 1 महीना और कर रहा है, 24 को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बाद वो इससे भी हट जाएगा। उनका कोई इस तरीके से कोई मसला इसलिए नहीं है कि जब वो 370 और 35 की बात करते हैं, तो फिर गलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लोग, जो आजाद कश्मीर के लोग हैं, फिर वो भी इनसे पूछते हैं कि हमारा 370 किधर गया। उधर तो आपने रट लगाई हुई है 370 की, तो वेयर इज ओवर 370। ये चीजें जो है ना, ये इस पे अगर हम डिटेल डिस्कशन करें तो इसके बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं, जो कि आप हैरान होंगे कि कोई किस तरीके से इस तरह की कोई डिमांड कर सकता है इंडिया से, जबकि वो खुद अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसकी ऑन द कॉन्ट्रेरी बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं अपने इलाकों के अंदर। तो इसलिए मैं इसको समझता हूँ कि ये जस्ट एक पॉलिटिकल मूव है, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल हामिद सर, आपने बहुत बड़ा और बहुत सही पॉइंट उठाया है। जब जब 370 और 35A भारत सरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर चुकी है, उसको खत्म कर चुकी है, तो अभी तक यूएन में ये मसला क्यों बना हुआ है? तो ये एज सुन एज पॉसिबल भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि आप अपने इसको विड्रॉ किया जा करना चाहिए, ताकि ये रिजोल्यूशन की बात ही आगे ना आए। जब भारत और पाकिस्तान का जब अंदरूनी मामला हम हमेशा ही से कहते रहे हैं, तो यूएन को भी अननेसेसरी का उस चीज के लिए एक खत भेजते रहो काहे को परेशान करना, और दुनिया भर के मसले बहुत है यूएन के पास। अमित सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अभी G7 का जो इजलास हुआ है, जो मीटिंग हुई है, उसमें सभी सातों देशों ने मिलकर एक चीज को जो उठाया है वो ये है कि अगर कोरोना जैसी महामारी कभी फ्यूचर में आ जाए और अगर इसी तरह से हम बटे हुए देश रहे और एकदम से इस पर रिएक्ट नहीं कर पाए, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अपील की कि एक मंच पर आकर एक एकजुटता से इस तरह के कभी भी इस तरह के पेंडेमिक्स हो या कोई भी इंटरनेशनल इस तरह का इश्यूज आए, उस पे उन्हें डिसीजंस जल्दी से जल्दी लेने चाहिए। कुछ और भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने कुछ पॉइंट निकाले, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि G7 की मीटिंग के ऊपर चाइना ने कहा कि दुनिया के ये 7 छोटे एक छोटा सा समूह 7 देशों का, क्या ये दुनिया की दिशा और दशा निर्धारित करेगा? इनडायरेक्टली वो शायद ये भी कहना चाह रहे थे कि कोरोना के ऊपर कोई सवालात नहीं आने चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं आनी चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं हामिद सर? देखें, ये बड़ा वसी टॉपिक है, इसकी तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा मिश्रा साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो इन्होंने लिखा है ना जी, रीसेटलमेंट या डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जो एलिगेशन है इसको अलग करना चाहिए जो वहां पे पंडितों की रीसेटलमेंट का इशू है।
जी है ना, एक उसके दो ऐसे हैं, एक तो वो ये कहते हैं जी 35 हटा के, तो इन्होंने तो वो फिर ओपन कर दिया कि जिसको जो मर्जी आके आबाद हो। इस पे भी एक अलग लंबी बहस जी है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो भी कश्मीर की लैंडस्केप और डेमोग्राफी है, वहाँ ऐसे बाहर से कोई अजनबी आके तो बसने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग वहाँ आए हैं उनकी एक बाकायदा बैकग्राउंड है, कुछ को बुलाया गया, कुछ काम करने के लिए आए, कुछ रीजंस दी उसकी। लेकिन जहां तक पंडित का ताल्लुक है, जो कि हिंदू आपने कहा है कि बसाने वाली बात है, वो जी लोग जो हैं वो धरती के असल बेटे ही वो हैं। कश्मीर जो है वो पंडितों के बगैर कश्मीर है ही नहीं। हम लोग जो उसके बाद कुछ लोग जो थे जिन्होंने मजहब चेंज कर लिए या जिन्होंने कहीं बाहर से आके आबाद हो गए या कुछ हो गए, लेकिन जो लोग सदियों से वहां पे बसते हैं वो उनको धरती के बेटे कहते हैं हम, और वो सन ऑफ द सॉयल जो हैं वो पंडित हैं। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर के अंदर जो सैन माइंड है कि उन लोगों को मिलिटेंसी के जरिए, अनलॉफुली और इलीगली और तशद्दुद के जरिए उनको वहां से निकाला गया, टेरराइज करके, हरास करके, खौफ और हरास में मुब्तला करके उनको अपना वतन छोड़ने पे मजबूर किया गया। अब ये सिर्फ कोई इंडिया की नहीं, इस खित्ते के पूरी ह्यूमैनिटी जो है उसकी ये फर्ज बनता है कि वो पंडितों को वापस लाए कश्मीर के अंदर, और वापस लाने के बाद उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। और वो सेफ्टी और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए जो भी पॉसिबल ह्यूमन एक्ट आप कर सकते हैं वो किया जाना चाहिए। और इसको आप इसके साथ जब कंफ्यूज करेंगे कि जी वहां से बाहर से लोग आके आबाद हो रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो उससे पंडितों का कास्ट जो है उस पर फर्क पड़ता है। जैसे मिश्रा साहब ने कहा, अब ये 5 लाख तो निकले थे, लेकिन आप 5 लाख हमारे यहाँ, आपको पता है कि 5 लाख 20 सालों में 30 सालों में कितने हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर कोई पंडित है वो वापस आना चाहता है, उनके बच्चे हैं, उनकी नई जनरेशन है, तो डेफिनेटली उसको इस तरीके इससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। रासवाल 35 हटाने की वजह से कोई अगर आके आबाद होता है, तो उसके लिए आज तक मैंने कहीं प्रूफ मांगे नहीं। कि जो लोग ये मसला उठाते हैं, वहां के कुछ अखबारात ने भी लिखा है श्रीनगर की, तो मैंने उन रिपोर्टर से कहा है कि आप हमें कुछ इसके स्टैटिस्टिक्स दें कि अगर वहां पे कोई आके आबाद हुआ तो कहाँ से आया, हु इज दैट पर्सन, उनके नाम क्या हैं, फैमिली मेंबर कितने हैं और आके कहाँ आबाद हुए। कश्मीर कोई ऐसी कोई गुंजान आबाद जगह तो नहीं ना, सिटी ऑफ बम्बई या दिल्ली तो नहीं है ना कि बंदा आया तो कहीं गायब हो गया। वहां हर आदमी दूसरे को जानता है। पूरे श्रीनगर शहर में, बारामूला में कहीं आप चले जाएं, किसी का नाम लें तो दूसरे को पता है वो कौन है। तो वहां कोई ऐसे खुफिया तौर पे आके तो आबाद नहीं हो सकता ना। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि एक ह्यूमैनिटेरियन काज को कंफ्यूज करने वाली बात है। और मैं इस पे, मुझे यकीन है कि बहुत सारी एक ऐसी लॉबी भी मौजूद है जिन्होंने डेलिब्रेटली पंडितों के निकलने पे जश्न बनाया था, चूंकि वो कश्मीर के अंदर इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे जिसमें सिर्फ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इस्लामिस्ट जो हैं उनका अपर हैंड हो, तो इसलिए उन्होंने ये किया था। और अब जब पंडितों के वापसी की बात होती है तो उनको तकलीफ होती है, वरना कोई भी जो आम कश्मीरी है वो इस बात की अहमियत को समझता है कि पंडितों का वहां वापस आना कितना जरूरी है। रहा सवाल आपका दूसरा जो सवाल है, वो तो पूरे एक प्रोग्राम की उस पर जरूरत है 40-50 मिनट के, जो इस वक्त चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो एक कोल्ड वार की सिचुएशन चल रही है उस पर मेरी अच्छी खासी जो है टेक है कि जो उन्होंने इस वक्त समिट किया है इंग्लैंड में, और जिस तरीके से उन्होंने वो मुतालबे किए चीन के साथ, उन ये सारी चीजें, तो उसमें अगर हम चले गए तो उसके लिए मजीद आपका काफी टाइम जो है। लेकिन बुनियादी तौर पे आपकी ये बात दुरुस्त है कि जाहिर है कि ये पूरी मनसूबाबंदी हो रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। इसमें एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम ये समझते थे कि कोविड के बाद दुनिया जो है उसमें कोऑपरेशन का सेंस बढ़ेगा, मिलजुल के मसाइल हल करने की बात होगी, और इस चीज पे सोचा जाएगा कि भाई ये जो लड़ाई झगड़े हैं इनमें पढ़ के हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम एक वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते, और हमारे सामने वायरस ने किस कदर तबाही मचाई है दुनिया में। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई बात है। जो G7 ने डिक्लेरेशन दिया है वो एक वाज़े किस्म का ऐलान है कोल्ड वार का, चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है किसी भी इस बड़ी कोल्ड वार से दुनिया का कोई मुल्क भी अपने आप को अलग नहीं रख सकता।
बिल्कुल आपने सही कहा अमित सर। और अमित सर आपने जो पॉइंट उठाया कि कश्मीर में पंडितों वाली बात है, तो एक्चुअली भारत में पंडित हिंदू ही कहलाते हैं, तो हमारे हिसाब से तो वो हिंदू ही है। लेकिन दूसरा जो जो लेटर लिख के जो शब्दों का खेल कुरैशी साहब ने किया, हम उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि जब उन्हें जो ओरिजिनली लैंड उन कश्मीरी पंडितों की है उन्हें निकाला गया, तब पूरा इंटरनेशनल मंच पर कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन आज वापिस अगर वो लोग अपने घरों को आना चाहते हैं तो उस पर हाय तोबा मचाई जा रही है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही कि वहां आम इंसान नहीं जाएगा जो कश्मीर से बिलोंग नहीं करता होगा। आप और मैं जैसे लोग हैं, मेरा जैसा इंसान को अगर कहे कि नहीं आप कश्मीर में जाए, लैंड खरीदे, वहां रहे, मैं नहीं रहूंगी क्योंकि मेरी जड़ें वहां नहीं है। तो जड़ों से जो जुड़ाव होता है जिस इंसान का, वो वहीं जाएगा। और भारत में भी ऐसा नहीं है कि भारत के हर स्टेट से सब लोग उठ के और कश्मीर में आके बसना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक मंच पर आवाज इसलिए उठती है कि कश्मीरी पंडितों को उनका हक वापस मिलना चाहिए, वो उनकी जमीन है, कम से कम वो अमन और सुकून से अपने एरिया में रह सके। मेरा आखिरी सवाल हामिद सर आपसे ही है कि पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, आप पाकिस्तान ऑथोरिटी कश्मीर कहते हैं, या जिस तरह से अभी 25 जुलाई को वहां पे चुनाव डिक्लेयर किए गए हैं, हम सब लोगों को जो आजाद कश्मीर है उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि वहां के लोगों का जीवन स्टैंडर्ड किस तरह का है, क्या वहां पे जो हुकूक जो नॉर्मल इंसान के होते हैं, एजुकेशन हो, रोजगार हो, इस तरह की लाइफस्टाइल उनका किस तरह से है। क्योंकि हमारे कश्मीर के बारे में हमें बहुत क्लियर कट पता है कि वहाँ लोग किस तरह से रहे हैं, बाद में वहां पे मिलिटेंट का भी एक दौर रहा एक तरह से, वो सियासी पारियां सियासी गेम होते रहे, इधर कश्मीर को हमेशा एक बर्निंग उस पर मशाल की तरह रखा गया। तो वो क्या आजाद कश्मीर में भी इसी तरह का माहौल है, वहां की स्थिति क्या है सर? देखें जी, ये सारा रीजन जो है ना, अब आप बेशक तकसीम में 10 दफा कर लें, बर्रे सगीर आपने तकसीम कर लिया या कश्मीर तकसीम कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग बदल गए। लोग तो बुनियादी तौर पे एक लोग हैं, ये सारे सदियों हजारों सालों से मिलजुल के इसी तरीके से रहते हैं, वही पहाड़ी लोग हैं। ये पूरा रिज जो है आप देख लें, उसमें श्रीनगर से लेके तो मुजफ्फराबाद तक ये लोग एक हैं, उनकी सोच एक तरह की है, साइकोलॉजिकल मेकअप उनका सेम है, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं। राज सवाल जाहिर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, तो ये एप्पल और ऑरेंज को जो है वो जाहिर है कंपेयर करने वाली बात है। सिटी ऑफ श्रीनगर जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है खुद इंडिया के अंदर भी, तो जाहिर है उस हिसाब से फर्क पड़ता है। उसके मुकाबले में हम पहाड़ी लोग हैं, वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे रहते हैं जहाँ पे शहर नहीं थे कल तक, आज से 20-25 साल पहले तक वहाँ उस तरह बड़े शहर नहीं थे, सड़कें नहीं थी, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, तो वो एक जाहिर है एक डिफरेंट लाइफ पसंद स्टाइल था। हमारे ज़माने में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में गया था लॉ करने के लिए, तो हमारे इलाके से पंजाब की तरफ सिर्फ एक सड़क थी और उस पर सिर्फ एक बस जाती थी जिसपे हम बैठ के तो जाते थे। आज वहाँ पे जो है वो बहुत एक डिफरेंट माहौल है, सड़कों का एक जाल है, ये अलग स्टोरी है कि वो जाल हुकूमत ने नहीं बनाया, वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये जो मशीनें होती हैं मशीनरी के उस सोसाइटी में आने की वजह से लोगों ने अपनी जेब से पैसे दे के तो वो सड़कें बनवाई हैं। चूंकि कश्मीर के तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो जिनके लिए 1-2 किलोमीटर जो है वो 30-40 हज़ार रुपया दे के तो एक सड़क बनवा लेने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी डिवेलपमेंट हो गई। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या मेडिकल स्कूल बने हैं उसकी वजह भी ये थी कि लोगों ने ओपनली ये शोर किया कि जो जम्मू कश्मीर में इतने मेडिकल स्कूल हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने लॉ स्कूल हैं, तो हमारे यहाँ क्या है। तो ये इन्होंने गुज़श्ता 10-15 सालों में जो है उसके मुकाबले में, क्योंकि ये सोशल मीडिया का कमाल है सारा, उसके मुकाबले में आके तो उन्होंने कहा जी ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है, वो जो 2 कमरे के जो स्कूल में जो है एक यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दी, ये एक अलग कहानी है। लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ है वो अवाम की अपनी मेहनत है और उनका इस्तेसाल है, मेहनत भी नहीं, इससे आगे एक लफ्ज इस्तेसाल में कहूँगा, एक्सप्लेटेशन। राजसवाल इलेक्शन का आप इसको जो कहें, पीओके कहें, आजाद कश्मीर कहें, एडमिनिस्ट्रेटिव कहें, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं आजाद कश्मीर इसलिए कहता हूँ कि बचपन से ये सरकारी नाम है, तमाम कागजात में लिखा है, हम बचपन से स्कूलों में जाते थे, पढ़ते आए हैं, तो वहां पे हम बड़े बूढ़े हुए हैं, तो हमारे तो हम तो उसको आजाद कश्मीर ही कहेंगे जाहिर है। तो उसमें जो है वो बेसिकली इतनी आज़ादी है कि ये इमरान खान साहब जो हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है इनकी पार्टी,
जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में हुआ था, कि वो जो है ना आप जाके तो सबसे पहले एक नजर मारते हैं कि इनमें से इलेक्ट कौन होगा। आप अवाम के पास नहीं जाते कि मुझे वोट दो, मैं इमरान खान हूँ और बहुत अच्छा आदमी हूँ। आप इलाके पे नजर मारते हैं कि इनमें से जीतेगा कौन, और जो जीतने वाला है उसको बुला के कहते हैं कि मेरी पार्टी में आ जाओ, जिसको कहते हैं इलेक्टेबल हंटिंग। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने इलेक्टेबल हंटिंग की थी ना, एक आदमी जिसने जिंदगी एक पार्टी में गुजार दी, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक अभी बेचारा वहां का MLA था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका एक्सीडेंट हो गया दरियाए जेलम में, गाड़ी उसकी गिर गई और आज 5वां दिन है उसकी लाश गायब है और गाड़ी गायब है। अब ये हाल है उस मुल्क की टेक्नोलॉजी का और न्यूक्लियर पावर का कि दरियाए जेलम में एक बहुत बड़ी गाड़ी गिरी है, पिजारो, वो जो MLAs की गाड़ियां होती हैं, बिल्कुल और उसको नहीं ढूंढ सके, उसकी लाश नहीं ढूंढ सके, जो कि इंपॉर्टेंट तीन आदमियों में से एक था। वो आदमी जो है उसको 20 साल हो गए वहां की एक लोकल पार्टी में, जम्मू कश्मीर की पार्टी में। उसको इमरान खान ने कहा कि तुम इलेक्टेबल हो, मेरे साथ आ जाओ, आ गया। अब बेचारा की किस्मत के वो साथ ही उसकी डेथ हो गई। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब एक आदमी इस तरह एक पार्टी छोड़ेगा जिसमें उसने पूरी जिंदगी लगा दी, तो वो या तो किसी मजबूरी और खौफ की वजह से ही छोड़ेगा ना, या किसी बहुत बड़े लालच के नतीजे में छोड़ेगा। तो डेमोक्रेसी वहां पे सिर्फ इतनी है कि आप बंदे को डरा के, धमका के, पैसे की ओहदे की लालच दे के तो उसको लेके आ जाए अपनी पार्टी में। अब वहां पे इनकी पार्टी के मसलन 25 मेंबर होंगे, तो उनमें से कम 20 इलेक्टेबल हैं जो इन्होंने दूसरी पार्टियों से लाए। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, जो मेरे ख्याल में अगर किसी कदीम यूनानी फिलासफर को बताया जाए कि ये डेमोक्रेसी होती है, वो उनको खुदकशी कर ले। गिलगित बल्तिस्तान में एग्जैक्टली यही हुआ था, जितने इलेक्टेबल थे इन्होंने पकड़ के शामिल कर लिए थे अपने उस प्रोसेस में। तो ये होता है कि ये जो इस तरह की चीजें हैं, आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, उसमें इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सिर्फ ये हो रहा है कि इलेक्टेबल को कौन पकड़ रहा है, अवाम का उससे कोई लेना देना नहीं। हामिद सर, मैं यहाँ एक बात जानना चाहूंगी। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में जो स्टूडेंट होते हैं उनको भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में, भारत के यूनिवर्सिटी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या भारत के किसी भी स्टेट में उन्हें रोजगार लेना हो, स्पेशल कोटा होता है कश्मीरियों के लिए अलग से। कि मतलब एक यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया है और वहां पे कश्मीरी स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया है और मेरी और उसकी परसेंटेज अगर इक्वल है तो उसका एडमिशन हो जाएगा, मेरा रह जाएगा। तो क्या इस तरह का आजाद कश्मीर के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए पाकिस्तान में इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं सर? नहीं, उसका कोटा जरूर है, लेकिन ये कहना कि उसका एडमिशन हो जाएगा और किसी पाकिस्तानी का रह जाएगा, इस पे तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसी तरह कोटा सिस्टम है, इसको हम नॉमिनेशन कहते हैं, कि वो होता ही है कि जब स्टूडेंट जो है ना वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सिस्टम है जिसमें जाके वो एप्लीकेशन देते हैं कि हमें नॉमिनेट किया जाए। नॉमिनेट जाहिर है मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर का ऑफिस करेगा उनको, तो वो फिर सीटें देख के कि जी ये पिशावर यूनिवर्सिटी में जा सकता है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये कराची में, इस तरह करके उनको नॉमिनेट कर देते हैं। अब आगे जाके तो अगर उनका कंपटीशन हो गया किसी वहां के लोकल के साथ या उन इस तरह, तो वो एक दूसरी बात है। चूंकि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे रुश्वत, शवारस और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मेरिट नहीं है। किसी का मैज नॉमिनेट हो जाना जरूरी नहीं कि उस आपका आगे जो है वो भी हो जाए। तो ये चीजें तो वहां पे हैं कि जिसका असर रसूख है उसी का वो चलता है। लेकिन ये सिस्टम जैसा कि मैंने कहा, आप यूं समझ लें कि जम्मू कश्मीर और आजाद कश्मीर में आज भी जो लॉज हैं तकरीबन 80% वही लॉज हैं जो महाराजा हरी सिंह के जमाने में थे। तो ये उस जमाने में भी महाराजा हरी सिंह का असल में सिस्टम था ये नॉमिनेशन का। महाराजा हरि सिंह जो है वो इवन लोगों को लंदन पढ़ने के लिए भेजता था। हमारे इलाके का जो पहला बैरिस्टर एट लॉ था जिसने ये बगावत की थी महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, वो खुद महाराजा हरि सिंह के वजीफे पे जाके लंदन से बार एट लॉ करके आया हुआ था। तो ये नॉमिनेशन का सिस्टम उस वक्त से चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, 35 का सिस्टम, जी बाहर से कोई आके नौकरी नहीं ले सकता, ये उस वक्त से चल रहा है। जमीन नहीं खरीद सकता, ये उस वक्त से चल रहा है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं, क्योंकि लोग एक ही हैं, इलाका एक है, एक हार्डशिप है, पहाड़ी इलाके हैं, सड़कें कम हैं, जाहिर है उस हिसाब से जो फैसिलिटीज हैं वो आपको नजर आती है।
कि आप जाके इतने पहाड़ के चोटी पे कितनी एक फैसिलिटी किसी को दे सकते हैं, बिजली होती है जिसका सिर्फ लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आएगी, तो वो 10 घंटे जी बाद आती है तो फिर गायब होती है 12 घंटे के लिए। इस तरह की चीजें हैं, बर्फ पड़ गई तो 3 दिन तक सड़कें बंद हैं, ये सारे मामलात जो हैं वो आपके सामने। फिर तो हामिद सर, कभी कभी आजाद कश्मीर के बाशिंदों को भारत के जम्मू कश्मीर से जलन तो होती होगी कभी कभी, कि वहां ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, नहीं, प्रॉब्लम सब जगह होती है। वो कंपैरिजन बनता ही नहीं जी। जो भारतीय स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है वो बहुत आगे है, बहुत ज्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू हमारे जो आजाद कश्मीर है या गलगित बल्तिस्तान है, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। वो जमीन और आसमान का फर्क है, ये जी अलग बात आप है कि लोग उसको उस तरीके से नहीं समझते। यानी आप देखें ना, इकोनॉमी देखें, सड़कें जी देखें। अब कल ही जो है वो फेसबुक पे एक बंदे ने 2 तस्वीरें डाली हुई थी, एक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो भारत में है उसकी एक रोड उसने दिखाई हुई थी, और एक ये जो है स्टेट ऑफ आजाद कश्मीर है जिसमें ये अभी एमएलए डूबा है दरिया जेलम में, तो उस रोड की तस्वीर उसने दिखाई हुई थी। अब ये जो एमएलए बेचारा अनलकीली या जो भी हुआ, लेकिन उस रोड का नक्शा भी आप जरा देख लें गूगल करके, कि उससे आदमी जी गिरेगा नहीं तो क्या होगा। यानी जी वो रोडें तो होती हैं जिसपे आप मूवीज में एडवेंचर के लिए जाते हैं, रियल लाइफ में इस तरह की रोड पे बंदा सफर नहीं करता। तो वहां से जाहिर है बिल्कुल गाड़ी गिर गई और बेचारा वो जो है उसकी डेथ हो गई, एक अनटाइमली किस्म की डेथ। बिल्कुल, अगर हम 20 साल पीछे जाएं हामिद सर, तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारी फिल्मों की शूटिंग होती रही है, और जम्मू एंड कश्मीर में इवन जब आतंक का भी दौर रहा, उस दौर में भी कोई भी टूरिस्ट गए, कभी किसी के साथ कोई इंसिडेंट, कोई हादसा कभी भी नहीं हुआ। इस मामले में जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि उनका रोजगार है, टूरिज्म उनका रोजगार है, अगर उसी पे वो अटैक कर देंगे तो वो खाएंगे कमाएंगे क्या। दूसरा, आपको पता होगा अमित सर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सबसे टफ एग्जाम होता है, उसको कम्पीट करने के लिए सभी स्टेट्स के बच्चे पूरे देश से उसमें होते हैं। 4-5 ईयर बैक जो जिसने इंडिया भर में टॉप किया था, शाह फैजल, वो जम्मू कश्मीर से हमारे लड़के थे, ठीक है। तो धर्म के नाम पर तो हमारे IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कभी कोई इश्यूज नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कब रेज हुआ, जब शाह महमूद ने IAS छोड़कर, वो 2 साल ऑफिसर रह चुके थे, पूरी ट्रेनिंग ले चुके थे, सिस्टम का हिस्सा थे, और जब ये 370 एब्रोगेशन हुआ, ये हुआ उस वक्त उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और सेपरेटिस्ट लीडर के रूप में उन्होंने अपने आप अपनी इमेज बिल्ड करनी शुरू की। इंटरनेशनल आपने देखा होगा, बड़े सारे चैनल्स पे वो आए भी, उसके बाद किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। अब यहाँ पे भी गेम देखिए उनका, उन्होंने रिजाइन दिया ही नहीं था, वो सोच रहे थे अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और कश्मीर की आवाज उठाकर अगर मैं लीडरशिप में आ गया तो मैं फुल फ्लेश रिजाइन दे दूंगा। उन्होंने वापिस अपनी फोर्स ज्वाइन कर ली है, IAS ज्वाइन कर ली है, तो भारत सरकार ने तो कोई थ्रेट नहीं दिया कि आप उससे छुट्टियां ले रहे थे या दूर गए थे, वो भी आपका डिसीजन था, लेकिन हमारे यहाँ पे आपने टॉप किया ही किया था, तो आप नंबर 1 पे तो थे ही, क्योंकि आपने इतने लाखों कंपटीटर्स को फाइट किया था। तो आज के प्रोग्राम में सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और क्लियर कट ये बताने के लिए कि जाधव का केस कहाँ है, क्या रहेगा, क्या हो सकता है, G7 का किस तरह से आगे चल के कंटिन्यूटी बनेगी, इस पर एक शो भी करेंगे। हामिद सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कुछ दिन बाद, जब भी आपको वक्त लगेगा, और कश्मीर कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से G7 के सामने जिस तरह से पाकिस्तान ने उठाया, और आजाद कश्मीर में आने वाले चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई, ये सब चर्चा हमने आज के प्रोग्राम में की। तो हामिद सर बहुत बहुत शुक्रिया, मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।